रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक में वह आसमान का घोड़ा था। नमस्कार, न्यूज ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है, मैं हूं योगेश मिश्रा। इस कविता को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात करना चाहते हैं। आज हम वीरता के प्रतीक पुरुष महाराणा प्रताप की बात करेंगे, उनके चेतक घोड़े की बात करेंगे, उनके हाथी राम प्रसाद की बात करेंगे और बहुत सी ऐसी चीजें जो शायद आप न जानते हों या जिनको जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनका निधन 29 जनवरी 1597 को हुआ। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह जी था, माता का नाम रानी जीवत कंवर। उन्होंने 1568 से 1597 ईस्वी तक यानी 29 वर्ष तक राज्य किया। सिसोदिया राजवंश के सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे। उनका राजघराना राजपूताना था। उनकी धार्मिक मान्यता हिंदू धर्म में थी। उनका सबसे लोकप्रिय युद्ध हल्दी घाटी में हुआ था। उनके पूर्वाधिकारी का नाम महाराणा उदय सिंह रहा और उनके उत्तराधिकारी राणा अमर सिंह थे। महाराणा प्रताप के जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप की विशेषता थी कि वो एक ही झटके में दुश्मन को घोड़े पर बैठे ही काट डालते थे। कहा जाता कि एक बार लिंकन भारत के दौरे पर आ रहे थे, उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि हिंदुस्तान से वो उनके लिए क्या लाएं। तब उनकी माँ का जवाब था, उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से उसका वह दौरा रद्द हो गया था। इस बात का जिक्र आप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए नामक बुक में देख सकते हैं। कवच, भाला, ढाल, यह सब जो लेकर के वो चलते थे, अगर इन सब के वजन की बात की जाए तो वह तकरीबन 207 किलोग्राम बैठता था। महाराणा प्रताप की तलवार, कवच, सब कुछ उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। कहा जाता कि अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो वह आधे हिंदुस्तान के वारिस होंगे। हालांकि बादशाहियत अकबर की ही होगी, लेकिन राणा प्रताप ने किसी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप के साथ 20,000 सैनिक थे, जबकि अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में सम्मिलित हुए थे। जहां महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक दिवंगत हुआ था, वहां चेतक का एक मंदिर बना हुआ है। महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया तब उनके साथ लोहार जात के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ा। दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गढ़िया लोहार कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध हुए 300 साल हो गए, लेकिन वहाँ आज भी तलवारों का जखीरा मिलता है। 1985 में अंतिम बार वहाँ तलवारों का जखीरा लोगों को देखने को मिला था और सरकार के हाथ लगा था। महाराणा प्रताप को शस्त्र की शिक्षा जयमल मिड़तिया ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर के 60,000 मुसलमानों से लड़े थे। उस युद्ध में 48,000 लोग मारे गए थे, जिनमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। कहा जाता कि महाराणा प्रताप के निधन पर अकबर भी रो पड़ा था। उनके शौर्य, उनकी वीरता और उनके दृढ़ प्रतिज्ञा के आगे उसका भी सर झुक गया था। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे। राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत हैं तो दूसरी तरफ भील। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक 26 फुट का दरिया पार कराने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ था। उसकी एक टांग टूट गई थी, तब भी उसने पार करके दिखा दिया।
जहां वह घायल हुआ था वहां आज खोड़ी इमली नाम का पेड़ है। जहां पर चेतक की मृत्यु हुई वहां चेतक मंदिर है। राणा का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना 85% मेवाड़ जीत लिया था। इसके लिए वह सोने चांदी और महलों को छोड़ करके 20 साल जंगलों के बीच रहे। कहा तो यह भी जाता है कि राणा प्रताप ने घास की रोटियां तक खाईं। महाराणा प्रताप के चेतक पर तो साहित्यकारों की भी नज़र गई। चेतक को सब लोग महाराणा प्रताप से जोड़ करके देखते हैं। चेतक और महाराणा प्रताप पर्याय हैं, लेकिन महाराणा प्रताप का उससे खास भी, उससे भरोसेमंद भी और उससे वफादार भी एक जानवर था जिसका नाम था रामप्रसाद, और वह था रामप्रसाद हाथी। आपको जान के हैरत होगा कि जब अकबर ने महाराणा प्रताप पर चढ़ाई की थी तो उन्होंने अपने सिपह सालारों से कहा था कि दो को बंदी बनाया जाए, एक महाराणा प्रताप को, दूसरे उनके हाथी रामप्रसाद को। रामप्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदायूनी ने अपने ग्रंथ में भी किया है। अल बदायूनी लिखते हैं कि वो हाथी इतना समझदार और ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। उस हाथी को पकड़ने के लिए 7 बड़े हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया गया। उन पर 14 महावतों को बिठाया गया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बनाया जा सका। जब रामप्रसाद को अकबर के सामने पेश किया गया तो अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रख दिया। रामप्रसाद को मुगलों ने गन्ना और पानी दिया, लेकिन रामप्रसाद ने मुगलों का गन्ना और पानी 18 दिन तक नहीं खाया और भूख से तड़प तड़प के मरना कबूल किया। उसी समय अकबर ने अपने दरबार में कहा था कि जिस राणा प्रताप के रामप्रसाद नाम के हाथी को मैं नहीं झुका पाया, उस राणा प्रताप को मैं कैसे झुका पाऊंगा। इतनी वीरता, इतना शौर्य और इतने वफादार लोगों के साथ महाराणा प्रताप ने अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारे। हमें महाराणा प्रताप को याद करते समय चेतक और रामप्रसाद को भी याद करना चाहिए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।